हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने इतने कम टाइम में इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच तहे दिल से। मेरी इतने कम टाइम में इतनी अच्छी, एंड थैंक यू सो मच, इतने कम टाइम में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मेरी इतनी बड़ी फैमिली बनी है, इंस्टा फैमिली और यूट्यूब फैमिली। आप आगे ही मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लूँगी और आपको बताऊँगी अपने हेयर फॉल के बारे में। अगर आपको हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए आज की वीडियो के साथ, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा बन कौन सा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। सनलाइट वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, हाफ बन ज़्यादा अच्छा लगा है, लूज बन ज़्यादा अच्छा लगा है, या कनोट बन आपको ज़्यादा अच्छा लगा है? आपको जो भी बन ज़्यादा अच्छा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। मुझे तो वैसे सारे ही बन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं। अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कल लाइव भी आई थी और मैं जल्दी हेयर केयर वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड करूँगी, जल्द ही लेकर के आऊँगी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोमल गौतम लॉन्ग हेयर के नाम से मेरी आईडी है इंस्टा पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे इंस्टा पर बता सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैम आप अपने बालों में क्या लगाती हैं? मैं जो भी अपने बालों में लगाती हूँ, मैं होम रेमेडीज ज़्यादा यूज करती हूँ, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यूट्यूब पर भी शेयर करती हूँ और इंस्टा पर भी शेयर करती हूँ। अगर शॉर्ट वीडियो होती है तो मैं इंस्टा पर शेयर करती हूँ, और लॉन्ग वीडियो होती है कि मैं किस तरीके से अपने लिए हेयर मास्क, हेयर सीरम, हेयर जेल, किस तरीके से मैं होममेड ये सब यूज करती हूँ, वो आप सबको मैं बताती हूँ यूट्यूब के ज़रिए से और इंस्टा के ज़रिए से और कभी कभी लाइव के ज़रिए से भी। तो आप लोगों को कौन सा बन ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। बने रहना फुल वीडियो के साथ, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आपको सबसे ज़्यादा बन कौन सा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और मैं जल्दी न्यू हेयर केयर वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अब मैं दूसरे टाइप का बन ट्राई करूँगी, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बन बनाया है। आप मेरी वीडियोस देख करके बन ट्राई कर सकते हैं, बना भी सकते हैं आप अपने ऊपर। ये कनोट वाला बन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आपको ये बन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें, कमेंट करें, और नीचे बेल आइकन का बटन है तो उसको प्लीज़ प्रेस कर दे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मुझे तो ये बन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसमें किस तरीके का बन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। मैं इसमें हाफ बन लेकर के आई हूँ, तो सारे बालों को मैं अच्छे से कॉम करूँगी और फिर मैं इसमें हाफ बन बनाऊँगी। तो मुझे हाफ बन मैं काफ़ी टाइम के बाद लेकर के आई हूँ, मुझे तो ये बन भी काफ़ी अच्छा लगा है। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा बन कौन सा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना।
सबसे पहले तो हाफ बन बनाने के लिए सारे बालों को अच्छे से कॉम करना है। देन कॉम करने के बाद आपने अपने बालों को दो पार्ट में, ऊपर से लेकर नीचे तक दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उसके बाद आपने बन बनाना है। मैंने अपने बालों को, सारे बालों को अच्छी तरह से हेयर कॉम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मुझे आप लोगों को इनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बन कौन सा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वीडियो के साथ बने रहना। और आपने हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हेयर कॉम हो चुका है, मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है। देन कॉम करने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने बालों में बन, हाफ हेयर बन। मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन आई फ्रेंड रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार फिर से बन बनाए, हाफ हेयर बन बनाए। तो मैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बालों को दो पार्ट में डिवाइड करूँगी, दो सेक्शन में, और किस तरीके से मैं हाफ हेयर बन बनाऊँगी। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बन कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए बालों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इस तरीके से हम बालों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अब मैं बन बनाने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं हाफ हेयर बन कैसा बना रही हूँ। इस तरीके से मैं बन बनाऊँगी, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि मैं होम रेमेडीज ट्राई करती हूँ, और जो भी मैं ट्राई करती हूँ वो आप लोगों के लिए भी लेकर के आती हूँ। तो आप लोग मेरी होम रेमेडीज वीडियोज़ देखते हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और किस किस को आपने मेरी होम रेमेडीज से फ़र्क लगाया अपने बालों में, वो भी मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देना आप लोग। तो देखिए मेरा हाफ ईयर बन बनकर रेडी हो चुका है। किस तरीके आप लोगों को ये बन कैसा लगा, मुझे तो बन बहुत ही अच्छा लगा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना आपको ये हाफ ईयर बन कैसा लगा है। और बन बनाने के बाद भी मैंने सारे बालों को कॉम कर लिया है, और मैंने ना तो इसमें कोई क्लिप लगाई है ना क्लेचर लगाया है, मैंने ये बिना क्लिप क्लेचर के ही बाल ऐसे ही कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है हाफ ईयर बन का नोट, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अब मैं बन ड्रॉप कर दूंगी, इसको खोल दूंगी, खोलने के बाद मैं इसको फिर से बनाऊंगी। अब इसमें मैं क्लेचर लगा करके मैं इसको बनाऊंगी बन। तो देखिए बन आपको कैसा लगा है, कि आपको हाफ बन में क्लेचर बन अच्छा लगा है या फिर सिंपल बन आपको अच्छा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना इन दोनों में से आपको कौन सा बन अच्छा लगा है। जल्दी गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखना। ये बन चुका है क्लेचर बन, तो आपने इन दोनों में से कौन सा बन ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए ये इसका फाइनल लुक, तो आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना।
तो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ओके गाइस बाय, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।